हेलो गाइस, दिस इज सभी आशमी। आज की वीडियो के अंदर जो है मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप जो है टेम्परेचर कंट्रोल स्विच को जो है सेट कर सकते हैं। अच्छा, ये 12 वोल्ट डीसी जो है पावर चाहिए इसको, तो उसके लिए जो है मैंने एक 12 वोल्ट डीसी का पावर सप्लाई का सर्किट जो है ख़रीद लिया है, और इसको जो है मैंने एक प्लग से भी कनेक्ट कर दिया है। और अब जो है मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ 220 वोल्ट एसी के साथ। ठीक है, ये 220 वोल्ट एसी इनपुट ले रहा है और आउटपुट पर 12 वोल्ट डीसी दे रहा है, जिससे जो है ये टेम्परेचर कंट्रोल स्विच का जो सर्किट है ये जो है चल रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो है एक RTD लगा हुआ है, टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, जिसकी मदद से जो है ये टेम्परेचर को रीड कर रहा है। तीन बटन है इसके अंदर, एक डिस्प्ले के लिए 7 सेगमेंट है और एक 10 एम्पेयर की जो है इसके अंदर रिले लगाई हुई है उन्होंने। 4 कनेक्टर हैं, 2 जो है पावर के हैं और 2 ड्राइव के हैं। तो अब इसको जो है सेट करते हैं। अच्छा, वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर जो है मैंने आपको एक सेटिंग चार्ट दे दिया है, ताकि आप जो है उसको समझ उसको जो एक दफ़ा पढ़ लें, देख लें, ताकि आपको जो है जो बातें मैं अब बताऊंगा आपको वीडियो के अंदर आगे जाके तो वो आपको जो है समझ में आ जाए। और डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जो है इस सेंसर की या इस सर्किट की जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो करंट टेम्परेचर ये बता रहा है, क्या बता रहा है, 26 डिग्री। ठीक है, आप याद रखिएगा क्या बता रहा है, 26 डिग्री। अब मैं सेट के बटन को एक बार प्रेस करूँगा तो ये अब ये बता रहा है कि आप इसकी जो है रेंज सेट कर दें, चाहे 22, अभी कि मैंने सेट किया हुआ है इसको 22 डिग्री पे, आप देख सकते हैं इसको मैंने सेट किया 22 डिग्री पे। ये डिग्रीमेंट है, ये इंक्रीमेंट है। ठीक है, ये वाला इंक्रीमेंट, ये वाला डिग्रीमेंट, तो 22 डिग्री पे मैंने सेट किया हुआ है। फिर दोबारा इसको आप जो है दबा देंगे तो दोबारा से अब जो करंट टेम्परेचर है वही है 26 डिग्री। अगर मैं इसको 10 सेकंड के लिए दबा के रखूँगा तो इसकी सेटिंग जो है ओपन हो जाएगी। अब इसमें देखें 6 ऑप्शन है, P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6। अच्छा, P और फिर ऑफ भी हो जाता है ये। अब जो है हम आ जाते हैं P0 पे। ठीक है, P0 पे आने के बाद आपने जो है सेट के बटन को दोबारा से दबाना है। फिर जो है इसके अंदर की सेटिंग ओपन हो गई है, P0 के अंदर की सेटिंग ओपन हो गई है, हाई, H फॉर हाई, और ओ इसमें जो है टाइमर लगा हुआ है, अगर आप इसको जो है जल्दी नहीं करेंगे तो दोबारा से ये रीसेट हो जाएगा। फिर दोबारा से आपने 10 सेकंड के लिए दबा के रखना है, P0 आ गया, फिर दोबारा आपने सेट का बटन दबाना है। इसमें एक हाई है और एक क्लोज़ है। अब जैसे ही मैंने क्लोज़ दबाया तो क्या हुआ, रिले ऑन हो गई, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर हो रहा है जो अभी हमने देखा क्या हो रहा है, 25 डिग्री। तो जैसे ही 22 डिग्री से ज़्यादा होगा टेम्परेचर, रिले ऑन हो जाएगी। तो इसलिए जो है मैंने सेटिंग में जाके P0 के अंदर जाके मैंने सेटिंग चेंज कर दी कि भाई जब 22 डिग्री से ज़्यादा हो तो रिले ऑन हो। अब मैं दोबारा सेटिंग में जाऊँगा, 10 सेकंड के लिए दोबारा दबा के रखना है आपने, और P0 पे फिर आने के बाद दोबारा दबाना है आपने सेट के बटन को। अब मैं दोबारा इसको क्या करूँगा, हाई कर दूँगा। अब क्या होगा, अब 22 डिग्री से कम जब होगा टेम्परेचर तब ये रिले ऑन होगी। अभी क्या हो रहा था, जब मैंने इसको सी पे किया तो रिले ऑन हो गई, मतलब 22 डिग्री से ज़्यादा था क्योंकि करंट टेम्परेचर है 25 डिग्री, तो रिले ऑन हो गई। अब मैंने क्या कर दिया कि अब 22 डिग्री से कम हो तो रिले ऑन हो। अब हम जाते हैं इसके दूसरे ऑप्शन में, फिर दोबारा आपने 10 सेकंड के लिए दबा के रखना है, अब P1 में क्या है, P2 पर आ जाते हैं डायरेक्ट। पहले P2 बता देता हूँ मैं आपको, P2 आसान है। P2 जो है अपर लिमिट है, अपर लिमिट जो मैंने 27 डिग्री जो है सेट किया हुआ है, और P3 जो है लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट जो है मैंने 0 डिग्री जो है सेट किया हुआ है, हालांकि ये -50 डिग्री से लेके 110 डिग्री तक जो है टेम्परेचर को जो है कैलिब्रेट कर सकता है। फिर P4 क्या है, P4 जो है कैलिब्रेशन का जो है कैलिब्रेशन है, यानी कि अगर ये टेम्परेचर सेंसर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी और टेम्परेचर सेंसर से रीड कर रहे हैं, वो बता रहा है 26 डिग्री और ये बता रहा है 25 डिग्री, तो इसको कैलिब्रेट करने के लिए जो है P4 जो है इन्होंने एक ऑप्शन दिया है, वहाँ से आप जो है कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो अभी मैंने 00 किया हुआ है क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट टेम्परेचर बता रहा है जो अभी इस रूम का हो रहा है, वही टेम्परेचर जो है ये सर्किट भी जो है डिस्प्ले दे रहा है। तो अब हम आते हैं इसके P5 ऑप्शन की तरफ। अब 10 सेकंड के लिए दोबारा से आपने इसको दबाना है, जब भी आप सेटिंग में जाएंगे आपने 10 सेकंड के लिए जो है इस बटन को प्रेस करना है,
अब हम आते हैं P5। P5 जो है वो है डिले टाइम, यानी कितनी देर तक या कितनी देर बाद जो है आप रिले को ऑन करना चाहते हैं या ऑफ़ कराना चाहते हैं, तो डिले का ऑप्शन है। फिर P6 जो है हमारा है हाई टेम्परेचर अलार्म, ठीक है। अभी जो है हाई टेम्परेचर अलार्म जो है मैंने ऑफ़ किया हुआ है, तो यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आप जो है 100 डिग्री का जो है अलार्म सेट करते हैं कि आपके फॉर एग्जांपल बॉयलर है कि वो 100 डिग्री पे जो है वो जो है ऑफ़ हो जाए और खुदा ना खास्ता ऑफ़ नहीं होता है, तो अलार्म क्या करेगा, वो उसको जो है सर्किट को ऑफ़ कर देगा। तो अलार्म एक तरीके से इन्होंने एक सेफ्टी फीचर जो है इन्होंने इस सर्किट में दिया है कि आप अपने मुताबिक कोई भी टेम्परेचर सेट कर दें, और ताकि उस पर अगर खुदा ना खास्ता वो टेम्परेचर जो है वो अचीव होता है तो अलार्म सर्किट क्या करेगा, P6 ऑप्शन ये करेगा कि उस रिले को या उस जो भी चीज़ है जो आपने कनेक्ट करी हुई इस रिले के साथ उसको ऑफ़ कर देगा। तो ये इसकी कुछ बेसिक सी सेटिंग थी। अगर आपको फिर भी कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जो है आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और किसी किस्म की भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।